नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और अब बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के दी मोस्ट पॉपुलर शो तेरी मेरी डोरिया की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे कि मिस गुरनूर एक बहुत बड़े प्राइज मनी का इंतजार कर रही थी और वो उनको मिल चुका है। और अब तो उनके हाथ साहिबा का पासपोर्ट मिल चुका है, जिसके जरिए वो इस देश को छोड़कर बाहर जा सकती है और जोरावर से आजादी पा सकती है। मगर कहानी में ट्विस्ट आता है, अंगद के सामने ये राज खुल जाता है कि मिस गुरनूर घर छोड़कर जाने वाली है और उन्हें ये डर सताता है कि अगर गुरनूर गई तो अकीर का क्या होगा। फिर इसलिए अंगद उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। फिर उनसे जोरावर के बारे में वो पूछता है, लेकिन गुरनूर जोरावर के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। ऐसे में हमारे अंगद ये फैसला करते हैं कि उन्हें मिस्टर मान की बात मानकर उसे उनके हवाले कर देना चाहिए और उसके बाद वो खुद ही जाने कि उनके साथ क्या करना है। इसलिए या तो वो सच बता दे या फिर उसे जो है इस डील को पूरा करना होगा, उसे उसके बच्चे की केयर टेकर बने रहना होगा। अब ऐसे में गुरनूर ने काफी बहुत ही ज्यादा ना परेशान हो गई है, क्या करे। इसलिए वो अंगद के सामने जोरावर का सच बताती है कि अगर मैं उस जोरावर के पास गई ना तो वो दरिंदा मुझे खा जाएगा, वो मेरे साथ काफी ज्यादा अत्याचार करेगा, वो इंसान नहीं हैवान है। तो यहाँ पर जोरावर ने अब तक जो कुछ भी उसके साथ किया है ना, अब गुरनूर एक एक करके यहाँ पर अंगद को बताएगी। अंगद उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा और यहाँ पर गुरनूर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी अपने अतीत के पन्नों को याद करके। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होगी। अब जोरावर की जो बीजा है ना, वो आने वाली है अंगद सिंह बरार के घर और यहाँ पर साहिबा को लेकर जाने वाली है। मगर आप देखेंगे कि यहाँ पर पहुंच जाएगा हमारा अंगद हमारी गुरनूर का मसीहा बनकर। तो गाइस, आगे और भी बहुत कुछ है मजेदार, इसलिए आज कई मत जाइए, देखती रहिए अपना फेवरेट शो तेरी मेरी डोरियां। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए टालीपीप्स टीवी चैनल।